नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 10 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब राजगीर में रोपवे का सफर होगा और खुशनुमा। बिहार में निवेश करने वाले निवेशकों को बड़ा ऑफर। बिहार में बाढ़ की आशंका को देखते हुए जारी हुआ गाइडलाइन। कश्मीरी शॉल से बिहार के कारखानों का भी हो सकता है उद्धार। 2 साल बाद बिहार में हुई इंटरनेशनल फ्लाइट की लैंडिंग। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अब राजगीर में रोपवे का सफर होगा और खुशनुमा। बिहार में सबसे खास पर्यटन स्थल के रूप में राजगीर हर दिन के साथ नए कीर्तिमान को स्थापित कर रहा है। इसी कड़ी में अब राजगीर स्थित विश्व शांति स्तूप और रोपवे के आसपास पर्यटकों को और भी ज्यादा बेहतर सुविधाएं मिलने वाली है। यहाँ अब आने वाले देसी विदेशी पर्यटकों के लिए इंटीग्रेटेड भवन का निर्माण किया जाना है। इसके साथ ही आसपास के इलाकों के सौंदर्यीकरण का काम भी होने वाला है। इसको लेकर पर्यटन विभाग ने 16.83 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की है। वहीं आपको बता दें कि इस योजना का क्रियान्वयन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत वन प्रमंडल नालंदा के माध्यम से कराया जाएगा। बिहार में इतने वाहनों की हुई ऑनलाइन नीलामी। बिहार में जब्त वाहनों को ऑनलाइन नीलाम करने का काम जोर शोर से किया जा रहा है। पिछले 2 महीने के रिकॉर्ड को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। ताजा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मध्य निषेध कानून के तहत थानों में अब जब्त वाहनों का कबाड़ धीरे धीरे कम होने लगा है। साल 2016 में कानून लागू होने के बाद शराबी और शराब माफियाओं के साथ बड़ी संख्या में वाहन भी जब्त हुए हैं। साल दर साल इसकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। पिछले 2 से 2.5 महीने में ही इस पोर्टल पर 12,000 से अधिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। इनमें से 3,178 वाहनों की नीलामी प्रक्रिया पूरी करते हुए 646 वाहन को बेचकर करीब 4 करोड़ रुपए का राजस्व भी प्राप्त कर लिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि अप्रैल में संशोधित मध्य निषेध कानून के साथ वाहनों की नीलामी ऑनलाइन किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार के ई ऑक्शन पोर्टल MSTC पोर्टल की सेवाएं ली गई हैं। बिहार में निवेश करने वाले निवेशकों को बड़ा ऑफर। बिहार में आने वाले समय में उद्योग को बढ़ावा देने का काम होने वाला है। वहीं बिहार की नीतीश सरकार भी उद्योग लगाने वालों को 3 कैटेगरी में रोजगार अनुदान भी दे रही है। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य भी है। बिहार में टेक्सटाइल और लेदर उद्योग लगाने वाले निवेशकों को सरकार की तरफ से बड़ी मदद मिलने वाली है। इनमें पूंजीगत अनुदान, निर्यात के लिए परिवहन इंसेंटिव, रोजगार अनुदान, बिजली शुल्क अनुदान और पेटेंट रजिस्ट्रेशन अनुदान शामिल है। इतना ही नहीं, अब तो बिहार की नीतीश सरकार निवेशकों की खास मदद भी करने वाली है। सरकार की योजना के अनुसार बिहार आने वाले निवेशकों को अब सरकार मदद करने वाली है, जिसमें जमीन की उपलब्धता से लेकर हर संभव मदद की जाएगी। प्रस्तावों को मंजूरी मिलते ही यहां और उत्पादन बढ़ेगा। इससे इथेनॉल उत्पादन में बिहार एक नंबर राज्य बनेगा। इस मामले में गृह मंत्री से भी बात हुई है। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान IBPS मुंबई ने निकाली रिक्तियां। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान IBPS मुंबई ने IBPS CRP RRB 11 परीक्षा 2022 के लिए कार्यालय सहायक, बहुउद्देशीय अधिकारी स्केल 1, 2 और 3 के कुल मिलाकर 8,106 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास कार्यालय सहायक के लिए स्नातक पास, ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के लिए किसी भी एक या अधिक इलेक्ट्रॉनिक, संचार, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी या कृषि या बागवानी या डेयरी या पशु चिकित्सा विज्ञान या फिर मछली पालन या बैंकिंग या वित्त विपणन या फिर कृषि विपणन में 50% अंकों के साथ स्नातक और सहयोग या सूचना प्रौद्योगिकी, कानून या फिर प्रबंधन या लेखा या CA या LLB या MBA या समकक्ष और प्रासंगिक नौकरियों में 2 से 5 साल का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 27 जून 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL को भी चेक कर सकते हैं। बिहार के DM अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से किए गए सम्मानित। बिहार में भले ही सरकारी कामकाज सवालों के घेरे में रही हो, लेकिन अभी भी कई जिले हैं जहां डीएम का काम सराहनीय देखा जा रहा है, जिसके लिए उन्हें समय समय पर सम्मानित भी किया जा चुका है। इस बीच बीते दिन गया के जिला पदाधिकारी गया डॉक्टर त्यागराजन SM को जिले में कौशल विकास योजना क्षेत्र में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंट पुरस्कार से सचिव कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। भारत सरकार कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा भारत के प्रत्येक जिले से डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान की मांग की गई थी, जिसके पश्चात ही उन्हें भी यह सम्मान मिला है। अब बिहार में होगा दिल्ली एम्स की तर्ज पर इलाज।
बिहार की राजधानी पटना के IGIMS का नया भवन बनकर तैयार हो गया है। सबसे खास बात यह है कि इस भवन में दिल्ली एम्स की तर्ज पर इलाज होने वाला है। इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। हाल ही में अपर मुख्य सचिव ने नए भवन के परिसर से लेकर पांचवें तल्ले तक का निरीक्षण किया। इस दौरान आधा दर्जन से अधिक मरीजों से बातचीत की गई। सर्जरी वार्ड और लिक्विड ऑक्सीजन का काम शुरू करने का निर्देश दिया गया। योजना के अनुसार अब आने वाले समय में इस अस्पताल में BPL आयुष्मान कार्डधारियों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा, जबकि अन्य मरीजों का इलाज जैसे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, वॉल्व रिप्लेसमेंट, दिल में सर्जरी, पेसमेकर आदि शुल्क दिल्ली एम्स के जैसे किए जाएंगे, जिससे उम्मीद है कि मरीजों को काफी सहूलियत मिलने वाली है। कश्मीरी शॉल से बिहार के कारखानों का भी हो सकता है उद्धार। ठंड के मौसम में कश्मीरी शॉल की चर्चा खूब होती है, क्योंकि ये शॉल काफी गर्म माना जाता है। इतना ही नहीं, हर साल तो कश्मीरी शॉल का एक अलग से बाजार भी लगता है। लोग कश्मीरी शॉल भी खूब खरीदते हैं। हालांकि अगर आप भी इस गलत फहमी में है कि जो शॉल आप खरीद रहे हैं वो सिर्फ कश्मीर में बना है, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि ये शॉल आप बिहार के कारखानों का भी खरीद रहे हो, क्योंकि पिछले दिनों बिहार में बने 70,000 से अधिक कश्मीरी शॉल श्रीनगर भेजे गए हैं। किफायती और बेहतर गुणवत्ता के कारण कामगारों को इस साल भी बड़ा ऑर्डर मिला है। ये आंकड़ा अगले सीजन में 1.5 लाख को पार कर जाएगा। तपती गर्मी के बीच अब पूर्वी और उत्तर बिहार में भारी बारिश के आसार। बिहार में जहां एक इलाका राजस्थान की रेत की तरह तप रहा है, तो दूसरे इलाके के लोगों को बारिश का अनुभव हो रहा है। जहां एक तरफ बिहार में गर्मी की मार है, तो पूर्वी और उत्तर बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। IMD के मुताबिक अगले 48 घंटों में बिहार में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा भी चलने का पूर्वानुमान है। जिन जिलों में आंधी पानी का पूर्वानुमान जारी किया गया है, मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार और इसके आसपास दो दो ट्रफ लाइन गुजर रही है। इसी की वजह से आंधी पानी का दौर जारी है। दूसरी तरफ दक्षिणी बिहार अभी भी नमी युक्त गर्मी की चपेट में है। प्रभावी तौर पर पूर्वैया नहीं चलने की वजह से मॉनसून अभी बिहार के दरवाजे पर पिछले 5 दिन से ठिठका हुआ है। बिहार मनरेगा ने एक दिन में बांटे सबसे ज्यादा काम। बिहार में मनरेगा के तहत एक दिन में सबसे ज्यादा श्रमिकों को काम देने का रिकॉर्ड बना है। हाल ही में मनरेगा की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार 7 जून 2022 की तारीख को 22,04,000 श्रमिकों ने काम किया है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इससे पहले 2020-21 में सिर्फ एक दिन 20 लाख से अधिक श्रमिकों को काम मिला था। तब कोरोना को लेकर लगे लॉकडाउन में बड़ी संख्या में श्रमिक बिहार लौटे थे। इसको लेकर ग्रामीण विकास विभाग नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर रहा है। इतना ही नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों से बात कर प्रगति रिपोर्ट ली जा रही है और दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार श्रमिकों को सबसे अधिक जल जीवन हरियाली अभियान, अमृत सरोवर और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत काम मिल रहे हैं। अमृत सरोवर योजना में हर जिले में 75 तालाब का निर्माण करना है। बिहार में बाढ़ की आशंका को देखते हुए जारी हुआ गाइडलाइन। बिहार में बाढ़ की संभावनाओं को देखते हुए बिहार सरकार अभी से ही अलर्ट मोड में काम कर रही है। उत्तर बिहार में एक बार फिर से बाढ़ की आशंकाएं जताई गई है, जिसको लेकर ही स्वास्थ्य विभाग ने जिलों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। साथ ही गाइडलाइन भी जारी कर दी है, जिसके तहत ही स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की तरफ से सभी जिलाधिकारियों और सिविल सर्जनों को बाढ़ के दौरान बिमारी से निपटने के लिए विस्तृत गाइडलाइन नए सिरे से जारी की गई है। साथ ही बीमारियों से बचने के लिए त्रिस्तरीय तैयारियां की जाएंगी। हालांकि ये अलर्ट बिहार के 15 जिलों के लिए खासकर लागू किया गया है, क्योंकि ये वो जिले हैं जो हर साल बाढ़ की चपेट में आते हैं और भारी जानमाल का नुकसान झेलते हैं। बिहार में 90 नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का खत्म हुआ कार्यकाल। बिहार के लगभग 90 नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल बीते दिन से खत्म हो गया है। इन सभी नगर पालिकाओं का साल 2017 में ही शपथ ग्रहण करवाया गया था, जिसके तहत ही बीते दिन इनका कार्यकाल खत्म भी हो गया। अब बिना जनप्रतिनिधि वाली नगर पालिकाओं को संभालने की जिम्मेदारी प्रशासकों के हाथ में रहने वाली है। खबर के अनुसार योजना यही है कि सरकार ऐसी सभी नगर पालिकाओं में प्रशासक नियुक्ति का अधिकार संबंधित जिले के जिलाधिकारी को सौंप सकती है। वहीं दूसरी तरफ पटना जिला के नगर परिषद बाढ़, खगौल, दानापुर, मोकामा, मसौढ़ी, फुलवारी शरीफ और बख्तियारपुर के साथ नगर पंचायत मनेर और कटिहार जिले के नगर पंचायत बारसोई का कार्यकाल 21 जून को पूरा हो जाएगा। 2 साल बाद बिहार में हुई इंटरनेशनल फ्लाइट की लैंडिंग। बिहार में इंटरनेशनल फ्लाइट की लैंडिंग बीते 2 साल से कोरोना के कारण बंद थी, लेकिन अब ये सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। हालांकि भारत में कोरोना के मामलों में जारी उछाल के बीच बीते दिन लंबे इंतजार के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट की लैंडिंग हुई। इसमें पूरे 173 यात्री का आगमन हुआ। इससे यात्रियों के साथ गया वासियों में भी खुशी का माहौल देखा गया। हालांकि कोरोना के मद्देनजर गया एयरपोर्ट पर उतरने के बाद यात्रियों को थर्मल स्कैनर के जरिए जांच कर सैनिटाइजेशन के बाद प्रवेश दी गई। विमान पतन
प्राधिकरण के निदेशक बागजीत साह ने बताया कि पूरे दो वर्षों के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट थाईलैंड से आई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बोधगया में हर साल लाखों की तादाद में बौद्ध श्रद्धालु आते हैं। पिछले दो साल से कोरोना के कारण ये सिलसिला बंद था। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे मीरा कुमार की। श्रीमती मीरा कुमार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक है। इन्होंने 15वीं लोकसभा में बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी किया था। वो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में 3 जून 2009 को निर्विरोध चुनी गई थी। इन्होंने 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए के उम्मीदवार के रूप में रामनाथ कोविंद के विरुद्ध चुनाव लड़ा था, जिसमें वो 34% मतों से पराजित हुई। मीरा कुमार का जन्म 31 मार्च 1945 को बाबू जगजीवन राम और इंद्रानी देवी के यहाँ सासाराम बिहार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के महारानी गायत्री देवी स्कूल में हुई। मीरा कुमार ने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ और मिरांडा हाउस कॉलेज में एमए और एलएलबी तक की शिक्षा ग्रहण की है। साल 1973 में वो भारतीय विदेश सेवा के लिए भी चुनी गई थी। पुलिस की वज्र टीम ने 27,000 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बिहार में अपराध को रोकना बिहार पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी, जिसको की बिहार की पुलिस ने बखूबी संभाला है, जिसमें अहम भूमिका बिहार पुलिस की तरफ से बनाए गए विशेष पुलिस फोर्स वज्र ने निभाई है। हालांकि हाल ही में पुलिस मुख्यालय की तरफ से साझा की गई रिपोर्ट के अनुसार 5 महीने में 27,000 से ज्यादा अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का काम किया गया है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से बीते दिन जारी की गई जानकारी के अनुसार जनवरी से मई के बीच ये गिरफ्तारियां जान लेने के मामले में पुलिस पर हमले, जान लेने के प्रयास, SC/ST एक्ट और अन्य आपराधिक मामलों में की गई है। सबसे अधिक 6,576 गिरफ्तारी बीते महीने हुई है। इतना ही नहीं, वज्र द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान जनवरी से मई के बीच बड़ी संख्या में हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। अगले साल तक पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा पटना एयरपोर्ट। बिहार के पटना एयरपोर्ट से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अहम सूचना। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय अड्डा का काम अगले साल 2023 तक पूरा करने के काम में अब तेजी लाई जा रही है। वर्तमान में एलिवेटेड रास्ते का दोनों छोर बन चुका है और लगभग पूरा हो चुका है। एलिवेटेड रोड का आधा हिस्सा बनकर तैयार है। वहीं परिसर में ATC मल्टी लेवल पार्किंग, फायर स्टेशन का काम काफी हद तक पूरा हो गया है। हालांकि मुख्य टर्मिनल बिल्डिंग का अभी निर्माण कार्य काफी हद तक बाकी है। इस एलिवेटेड रास्ते को टर्मिनल बिल्डिंग के साथ साथ बहुमंजिली पार्किंग में भी जोड़ना है। एयरपोर्ट निदेशक अंचल प्रकाश ने बताया कि एयरपोर्ट के विस्तारीकरण और टर्मिनल भवन निर्माण संबंधी पूरी परियोजना का 40% काम पूरा हो चुका है। पटना एयरपोर्ट पर रनवे के समानांतर टैक्सी ट्रैक बनाने की कवायद भी जारी है। रनवे के ठीक बगल में इसके बनने से रनवे पर और अधिक विमानों के उतरने और उड़ान भरने की क्षमता बढ़ेगी। बैंक का हड़ताल, 3 दिनों तक बैंक का कामकाज रहेगा प्रभावित। अगर आप भी बैंक के कामकाज के बारे में सोच रहे हैं तो जल्दी करें, और खासकर बैंक अगर जाने की सोच रहे हैं तो एक बार ये जरूर कंफर्म कर लें कि बैंक आपका खुला हुआ है या नहीं, क्योंकि अब आगामी 27 जून को देश में राष्ट्रव्यापी बैंकों की हड़ताल होने जा रही है। ये निर्णय मुंबई में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन संयोजक संजीव कुमार बंदलिस की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ली गई है। इस एक दिवसीय हड़ताल में लगातार 3 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। 25 जून को चौथे शनिवार और 26 जून को रविवार की छुट्टी और इसके अगले दिन हड़ताल रहने वाला है। ऐसे में बैंक कुल मिलाकर 3 दिन बंद रहेंगे। अब आप ही सोच रहे होंगे कि ये बैंक हड़ताल आखिर है क्यों, तो हम आपको बता दें कि ये हड़ताल सप्ताह 5 दिवसीय बैंकिंग पेंशन अपडेटेशन NPS को वापस लेकर पुराने पेंशन को चालू करने, बकाया सर्विस कंडीशन को लागू करने, कैथोलिक साइरन बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक में द्विपक्षीय वेतन समझौता लागू करने आदि मांगों को लेकर हो रही है। पटना जू में दौड़ने लगी ट्रैकलेस टॉय ट्रेन। बिहार की राजधानी पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में अब आपको एक बार फिर से ट्रैकलेस टॉय ट्रेन दिखाई देने वाली है। हालांकि आम लोगों के इस्तेमाल के लिए यह पिछले 1.5 महीने से बंद थी, लेकिन अब अगर आप जू घूमने जाते हैं तो आपको ये जरूर दिखाई देगी। जैसा कि आपको पता है कि अभी वर्तमान में बच्चों की गर्मी की छुट्टियां चल रही है, ऐसे में गर्मी की छुट्टी में बड़ी संख्या में दर्शक पटना जू पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में बच्चे इस टॉय ट्रेन से पटना जू का आनंद लेते हैं। सबसे खास बात यह है कि निश्चित तौर पर यह ट्रेन कई जानवरों के आसपास जाकर रुकती भी है, ताकि छोटे बच्चे उन जानवरों को आसानी से देख पाए। बच्चों में काफी खुशी दिखाई देती है। जू प्रशासन की तरफ से इसके शुरू करने के लिए कदम उठाए गए हैं। इन इकाइयों के निवेश प्रस्ताव अब होंगे रद्द। बिहार की नीतीश सरकार ने अब बिहार के विभिन्न इकाइयों के निवेश प्रस्ताव को रद्द करने की बात कही है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार ऐसे लगभग 1,500 निवेश प्रस्ताव है जिस पर रद्द करने की तलवार लटक रही है, क्योंकि ये ऐसी इकाइयां हैं जो 3 साल से लंबित है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक वैसे निवेश प्रस्ताव जिनको स्टेज 1 क्लियरेंस मिल चुका है, यानी जो उद्योग लगाने के लिए सरकार की सहमति का पहला पड़ाव पार कर चुके हैं, लेकिन गत 3 साल से उनके प्रोजेक्ट में कोई प्रगति नहीं है, तो उसे निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। यही नई योजना के अनुसार निवेश प्रस्ताव देने के बाद उसके मंजूर होने की स्थिति में उद्यमियों को उस पर अमल भी करना होगा, वरना सरकार उसे खारिज कर देगी।
बिहार विकास के बावजूद दिखता है फिसटी। बिहार की नीतीश सरकार विकास के कई दावे क्यों ना करती आई हो, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है ये आप और हम भी देख रहे हैं। साथ ही विपक्ष भी कई बार सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन अब बिहार के विकास गाथा पर सरकार के ही बड़े चेहरे ने उंगली उठा दी है। बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिहार को फिसड्डी बताया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने साफ लहजे में कहा कि विकास करने के बाद भी केवल जनसंख्या वृद्धि के कारण बिहार फिसड्डी दिखता है। उन्होंने इसके लिए कानून बनाने और बेटियों को पढ़ाने से जनसंख्या स्थिरीकरण को भी सिरे से नकार दिया है। कांग्रेस का हाई वोल्टेज ड्रामा, लेकिन अब राजद और एनडीए को राहत। एमएलसी चुनाव को लेकर कांग्रेस का हाई वोल्टेज ड्रामा बीते दिन देखने को मिला। जैसा कि आपको पता है कि बिहार एमएलसी चुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख गुरुवार को ही थी, लेकिन इसी बीच कांग्रेस के खेल विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रद्युमन यादव ने नामांकन रसीद ले लिया था, जिसके बाद राजद की टेंशन जरूर बढ़ गई थी। लेकिन कांग्रेस के नेता प्रद्युमन यादव ने विधानसभा आकर नामांकन रसीद की वापसी कर दी। इस दौरान कांग्रेस के खेल विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रद्युमन यादव ने पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने हमें नामांकन नहीं करने का आदेश दिया, जो कि गलत है, क्योंकि हम पहले से मन बनाए थे। इस बार विधान परिषद के लिए नामांकन करने का हमने सोचा था, लेकिन पार्टी ने इसकी सहमति नहीं दी, जो कि अपमानजनक है। चिराग ने शुरू किया लोजपा रामविलास का सदस्यता अभियान। अपनी चुनावी जमीन की तलाश में बैठे चिराग ने बीते दिन से सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत ही चिराग ने मीडिया से बातचीत भी की और कहा कि इस पूरे बिहार में 50 लाख से ज्यादा लोगों को अपने पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। लोजपा रामविलास चूंकि नई पार्टी है, नया सिंबल मिला है, इसी को लेकर हम लोगों ने फिर से सदस्यता अभियान शुरू किया है। इस दौरान चिराग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि मैं इस कानून का समर्थन करता हूं। आज ही हमने भी अपनी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। पुराने जो भी हमारे साथी है वो भी आजीवन सदस्य बने रहे। जो लक्ष्य हम लोगों ने रखा है उसे पूरा करेंगे। एमएलसी चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवारों ने किया नामांकन। बीते दिन आगामी एमएलसी चुनाव को लेकर एनडीए उम्मीदवारों ने अपना नामांकन करवा दिया है। जैसा कि आपको पता है कि 9 जून की तारीख सभी एमएलसी प्रत्याशियों के लिए आखिरी तारीख थी, जिसमें नामांकन उम्मीदवारों को कर देना था, जिसके तहत ही एनडीए की तरफ से 2 जदयू और 2 भाजपा के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन कर दिया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि आगामी एमएलसी चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अनिल शर्मा और हरीश साहनी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं जदयू ने आफाक अहमद खान और रविन्द्र प्रसाद सिंह को मैदान में उतारा है, जिसके तहत ही भाजपा और जदयू के एमएलसी उम्मीदवारों ने एक साथ नामांकन बीते दिन दाखिल कर दिया। सीबीएसई ने अपने सिलेबस का किया विस्तार। सीबीएसई में पढ़ने वाले छात्रों के लिए अहम सूचना। सीबीएसई ने हाल ही में अपने सिलेबस का विस्तार किया है, जिसके तहत ही बोर्ड ने अब स्कूलों में स्काउट और गाइड की पढ़ाई होने की बात कही है। बोर्ड की तरफ से स्काउट एंड गाइड का को करिकुलम शामिल कर लिया गया है और इसका प्रस्ताव जारी किया गया है, जो जल्द ही सभी स्कूलों में लागू कर दिया जाएगा। यानी कि अब सीबीएसई के स्टूडेंट चाहे तो स्काउट एंड गाइड भी बन सकते हैं। हालांकि आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बोर्ड द्वारा इसे फिलहाल प्री प्राइमरी से 12वीं तक की कक्षा के लिए लागू किया गया है। इसके साथ ही बोर्ड की तरफ से पूरे करिकुलम के लिए स्केड्यूल भी जारी कर दिया गया है। स्केड्यूल छात्र की उम्र के अनुसार जारी किया गया है। इसमें 3 से 5 साल तक के विद्यार्थियों के लिए अलग रूटीन है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। तीसरे धर्म युद्ध के दौरान 1190 में रोम के सम्राट फेडरिक बॉर्बरोजा की जान चली गई थी। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह 1246 में प्रथम दिल्ली के शासक बने। भारत ने 1986 को इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर पहली बार लॉर्ड्स में टेस्ट मैच जीता था। केरल में 1999 को कोची शहर के नेदुन बासेरी में एक निजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन की शुरुआत हुई थी। 54वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा 2008 में हुई। लगे रहो मुन्ना भाई को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया, जिसमें संजय दत्त की मुख्य भूमिका थी। भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और असम के प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई का जन्म 1890 में हुआ। भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक दामोदर मेनन का जन्म 1906 में हुआ। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता जीवन का निधन 1987 में हुआ। आज ही के दिन को विश्व भूगर्भ जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोच द्रविड़ से हुई बातचीत पर उमरान मलिक ने किया बड़ा खुलासा। जम्मू कश्मीर के युवा तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने टीम इंडिया का हिस्सा बनने के बाद टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ से हुई बातचीत के बारे में खुलासा किया है। उमरान ने बताया कि राहुल द्रविड़ ने उनसे क्या कहा। उमरान ने कहा कि भारत की तरफ से खेलना उनका सपना था और अब उनका यह सपना पूरा हो रहा है। तूफानी तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने BCCI.TV पर बातचीत में कहा कि राष्ट्रीय टीम में खेलने का उनका सपना पूरा हो रहा है। मैंने आईपीएल 2022 में जबरदस्त प्रदर्शन किया और इसी वजह से मुझे इंडियन टीम में चुना गया। भारतीय टीम के लिए खेलना मेरा सपना रहा है, जो अब पूरा हो रहा है। मैं आज के दिन के लिए काफी एक्साइटेड था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है, उनके नाम है ललन मोटिफ, कल्याणी चौधरी, गौतम कुमार, अनवर करीम खान, पीयूष जोशी, प्रिया बिट्टू कुमार,
रणधीर कुमार, कृष्ण मुरारी यादव, शंकर मुखिया, नीतीश यादव। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आपके जिले में वायु प्रदूषण नियंत्रित है या अनियंत्रित? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।